Thank mm -hmm. you. हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज आकांक्षा हेयर आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो दिस वीडियो इज ऑन लॉडी मेकअप लुक एंड मैंने ट्राई किया है कि जिनको मेकअप करना नहीं आता है वो भी इजिल इस लुक को क्रिएट कर सकें एंड मैंने विदाउट फाउंडेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट की हेल्प से ही जो मेकअप बेस है वो क्रिएट किया है और आप नेचुरल लाइट में भी देख सकते हैं ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ लेट्स बी इन द वीडियो हमेशा की तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर सो मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का मॉइस्चराइजर एंड मैं सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी नेक्स्ट आई विल यूज़ गुड वाइब्स का रोज़ हिप हाइड्रेशन फ़ेस जेल एंड जो जेल होता है वो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ मेकअप से पहले जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो स्टिकी होती है जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम और ये काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को आपकी

एंड ये बेस्ट कंसीलर है अगर आप फाउंडेशन महंगे फाउंडेशन अफोर्ड नहीं कर सकते वन फिफ्टी रुपीज़ में ये कंसीलर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं सो तो आप सिर्फ वन फिफ्टी में अपना मेक कर सकते हैं सो so, मैं ब्यूटी uh, प्लानर की हेल्प से डैप करके इसको ईजिली ब्लेंड कर लूँगी और जो आई मेकअप हमने करना है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट लगे इसलिए आप कंसीलर को अपने आई एरिया में भी ज़रूर अप्लाई करें सो so, ये जो मेकअप लुक है बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक है अगर आप बिगनर हैं आपको मेकअप करना नहीं आता है देन आई एम श्योर आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं ईजीली नेक्स्ट इसके बाद हमने कंसीलर अप्लाई किया है तो उसको हम सेट करने के लिए लूज पाउडर भी अप्लाई करेंगे सो so, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर भी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली uh, हमें क्या करना होता है हमें अपना कंसीलर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए वो क्रीमी होता है टेक्स्चर में सो so, उसको सेट करने के लिए हम पाउडर की हेल्प से उसे सेट करते हैं सो so, मैं अपने पूरे फेस पर uh, ज़्यादा नहीं बिल्कुल लाइट सा मैं पाउडर अप्लाई करूंगी तो अगर आपके पास आ, अच्छी क्वालिटी का नहीं है देन लैकमे के कॉम्पैक्ट पाउडर वन फिफ्टी रुपीस में काफी मिल जाते हैं आप वो यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे उसके लिए मैं यूज कर रही हूं ब्लू हेवन की आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल सो आईब्रोज फिल करने के लिए आप जस्ट अपनी आईब्रोज की जो शेप है वो लाइन ड्रॉ करें एंड देन इसके बाद आप स्पूली की हेल्प से जो प्रोडक्ट है उसको स्प्रेड करें इससे जो आपकी आईब्रो है वो नेचुरल लगेगी ओवर लुक नहीं लगेगा आपका नेक्स्ट इसके बाद आपको आई मेकअप करना है एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट एंड ये आपको टू हंड्रेड रुपीज़ में ऑनलाइन मिल जाएगा लेकिन मैंने ये लोकल मार्केट से वन फिफ्टी रुपीज़ में परचेज़ किया था एंड मैं सिंगल शेड ही अप्लाई करूंगी और अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही मैं अपना मेकअप कर लूंगी तो आपको ये लुक क्रिएट करने के लिए कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है आप बिगनर है आपको मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता है आपको पार्टी अटेंड करनी है आपको फंक्शन अटेंड करना है तो आप इजिली इस टाइप के लुक क्रिएट कर सकते हैं देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर एंड मैं फिंगर टिप की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी बिकॉज फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा ये इजिली स्प्रेड हो जाता है अगर आपको थोड़ा ज्यादा ग्लिटरी लुक करना है देन आप डायरेक्टली uh, स्पेचुला की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट आई विल ड्रॉ आई लाइनर एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूं फेसिस कैनेडा का मैग्नेट आईज आई लाइनर और मैं सिंपली ये विंग डायलाइनर क्रिएट करूंगी सो so आपका जो आउटर वी एरिया है आपने वहां से सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन आपको अपनी आईज की जो शेप है उसको फॉलो करना है एंड अगर आप इजिली विंग डायलाइनर क्रिएट नहीं कर पाते हैं देन आप टेप ट्रिक यूज कर सकते हैं मैंने उसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरे चैनल में जाके वीडियोज में जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे काजल एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई का काजल एंड ये काजल जो है इसका प्राइस है एटी रुपीज़ ये आपको पर्पल डॉट कॉम पर मिलता जाएगा काफी अच्छा और पिगमेंटेड काजल है ये सो so, मैंने ट्राई किया है कि मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की हेल्प से ही ये लुक क्रिएट करूं देन आपने लोअर लाइन पर भी काजल को अच्छे से स्प्रेड करना है सो काजल अप्लाई करने के बाद एक फिनिश लुक देने के लिए मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से जो मैंने काजल अप्लाई किया है उसको ईजिली ब्लेंड कर लूँगी सो so, ऐसे अगर आप अप्लाई करते हैं आई तो हार्श लाइन डिफाइन होती है तो अगर आप एक स्मोकी इफेक्ट चाहते हैं तो आप ब्रश की हेल्प से इजीली आप ब्लैंड कर सकते हैं काजल को नेक्स्ट मैं अपनी आई को कर्ल करूँगी एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबली का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा सो so, आपको फॉल्स आई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप जस्ट ये कर्लर परचेज कर लें ये आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा और आप इसकी हेल्प से भी सेम जैसे फॉल्स आई हम अप्लाई करते हैं वैसा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं सो so, इसके बाद मैं अगेन कर्ल करूँगी अपने लैशेज को सो so, अगर आपको फॉल्स आई वाला लुक चाहिए देन आपको दो बार मस्कारा और कर्लर यूज करना है एंड कर्ल करने के बाद मैं अगेन सेम मस्कारा ही अप्लाई करूँगी नेक्स्ट इसके बाद हम हाईलाइट करेंगे अपनी आईज़ को एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शिमरी आई और मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपने ब्राउबोन एरिया को हाईलाइट करूँगी एंड देन इसके बाद आपको अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट ज़रूर करना है एंड आप चाहे तो आप ईयरबड की हेल्प से भी अपने आ, जो आई है उसको हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रशेज नहीं है देन इसके बाद मैं अपना दोनों आई मेकअप लुक कंप्लीट कर लूंगी एंड इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग एंड इट्स कम्पलीटली ऑप्शनल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सिवाना कलर्स का कॉन्टोरिंग स्टिक एंड ये आपकी फेस की शेप को डिफाइन करने के लिए आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं एंड अगर आपके पास कॉन्टोरिंग स्टिक नहीं है बट यू वॉन्ट टू डू कॉन्टोरिंग आप चाहे तो आप आई की हेल्प से भी कॉन्टोरिंग कर सकते सकते हैं मैंने उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड की हुई है यू कैन चेक आउट माई वीडियो एंड देन इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही जो कॉन्टोरिंग मैंने की है जो मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है मैं उसको ब्लेंड कर लूंगी सो so, इसके बाद आपको अपने फेस को हाईलाइट करना है उसके लिए मैं सेम शिमरी आई शेडो ही यूज़ करूँगी सो so, आप अपने फेस के हाई एरियाज़ को हाईलाइट करें और इसके बिना तो इनकम्प्लीट है आपका मेकअप आपका जो फेस है वो ग्लोइंग नहीं लगेगा इसलिए ग्लो लाने के लिए फेस पे आप हाईलाइट जरूर करें नेक्स्ट हम ब्लशर अप्लाई करेंगे एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एस का कलर ब्लशर गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें एंड प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज डू सपोर्ट माई चैनल नेक्स्ट इसके बाद मैं लिप लाइनर अप्लाई करूंगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर और इसका जो प्राइस है सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ है और काफी पिगमेंटेड लिप लाइनर है ये नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन की मेटे लिप कलर यूज कर रही हूँ एंड जो शेड है वो है जीरो एट और ये भी हंड्रेड रुपीज में आपको मिल जाएगी काफी लाइट वेट है एंड ड्राई नहीं होती है बिल्कुल भी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है ये so, इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है मेकअप फिक्सर ये आपके आ, जो मेकअप आप है उसको अच्छे से सेट कर देगा और मैं यहां पे यूज कर रही हूं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर जिसका प्राइस है फाइनल लुक सो so, इस टाइप का लुक आप लोहड़ी फेस्टिवल के लिए या फिर शादियों का सीज़न भी चल रहा है आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं कोई पार्टी आपने फंक्शन अटेंड करना हो एंड अगर आप बिगनर हैं आपको मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता है देन आप इजीली मैंने ट्राई किया है कि मैं ईजी से ईजी मेक लुक आप लोगों के लिए लेके आऊँ सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर